आज तो कर ही लूंगा रेडमी का नोट 7 प्रो। 12 बजे जैसे यहाँ पर सेल स्टार्ट होगा तैसे ही बाय नो का बटन प्रेस कर दूंगा और इस फोन को खरीद लूंगा। कहीं आपके साथ भी यही हो रहा है, आप फ्लैश सेल में बैठते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर अपना फ़ोन लेकर और एक सेकंड के अंदर ही रेडमी का नोट 7 प्रो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो फाइनली मुझे रेडमी का नोट 7 प्रो जो है फ्लैश सेल में मिल गया। जी हाँ, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ब्लैक कलर का रेडमी का नोट 7 प्रो मिल गया। वैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करने वाला था लेकिन मुझे जो मिला सो मिल गया। अब यहाँ पर बात करेंगे मैंने इसे कैसे परचेस किया। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, मैंने फ़ोन पे में यहाँ पर वैलेट डाल के रखा वॉलेट में, मैंने अपना यहाँ पर कार्ड सेव करके रखा, जी हाँ क्योंकि COD अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे तरीके अपना कर रखा लेकिन ये फ़ोन सेकेंड में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था ना। लेकिन मैंने फाइनली जो है एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीका अपनाया जिससे कि मुझे ये फ़ोन जो है फाइनली फ्लैश सेल में मिल गया। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, शायद आपके लिए थोड़ा सा ही हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो। हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं खुद का चैनल यहाँ एवरीथिंग। तरीका नंबर 1, आपको एक एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। ये तरीका आपको लगभग सभी यूट्यूबर ने बताया होगा, एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए। मैं आपको एक्सटेंशन का लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस टेकर एक्सटेंशन है। इसको आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो आप फ़ोन में ही यहाँ पर ट्राई कीजिए। फ़ोन में एक्सटेंशन नहीं होता है तो फ़ोन में विदाउट आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से ही ट्राई कीजिए, लेकिन चांस बहुत कम है फ़ोन में। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है या आपके पास नज़दीक में कोई कैफे है तो वहाँ पर जाकर आप इस तरीके को अपना सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ये सब काम जो है आपको 10 मिनट पहले ही कर लेना है फ्लैश सेल के पहले। जी हाँ, इस बात का अभी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप का डेट एंड टाइम है उसको आप यहाँ पर इंटरनेट के साथ सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा। तीसरा, आपको फास्टर नेटवर्क चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास फास्टर नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो शायद आपको ये फ़ोन फ्लैश सेल में मिल पाएगा क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है। ये यहाँ पर टिप्स आपको अपनाना है। आप यहाँ पर फाइनली जो है बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप फ़ोन पे अपने बैंक अकाउंट का जो फ़ोन पे एप्लीकेशन होता है फ्लिपकार्ट का ही है, उसको आप लिंक करके रखिए फ्लिपकार्ट से, तो ये सही तरीका है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर फ़ोन पे से पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट पेज पर पहुँचोगे तब तक फ़ोन तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है जितना भी सेल हुआ है। जी हाँ, फ़ोन को यहाँ पर मैं परचेस करने जाता हूँ, कार्ट में आता है, पेमेंट करने जाता हूँ और फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। वही सेम प्रॉब्लम आपको आता है कार्ड के साथ। जी हाँ, अगर आपके पास कोई कार्ड है तो आप कार्ड में ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो भी अगर आप यहाँ पर पहले से ही फिल करके रखते हैं तो पहले से अगर फिल करके रखें कि डायरेक्टली आपको चूज़ करने का आता है कि ये कार्ड आपको डालना है, उसमें आपको CVV डालना पड़ता है 3 अंक का, वो जैसे आप डालेंगे तब तक तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। जी हाँ, ये तरीका आपके लिए काम नहीं करेगा। जी हाँ, 100% अगर आप पेमेंट करेंगे कार्ड और फ़ोन पे से वो काम नहीं करेगा, COD पहले से ही अवेलेबल नहीं है तो तरीका कौन सा बचता है। देखिए मैंने कौन सा तरीका अपनाया। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट अकाउंट में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अपने अकाउंट के सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको मिलेगा नीचे आप देखेंगे गिफ्ट कार्ड का सेक्शन। यहाँ पर क्या करना है, आपको 14,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड ऐड कर लेना है। ध्यान रखें कि जिस email ID में आप डाल रहे हैं वो आपका email ID हो, उसी पर गिफ्ट कार्ड जाएगा, उसका कोड जाएगा, पासवर्ड जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 14,000 आपको पेमेंट कर देना है, जिसे भी आप पेमेंट करें कर दीजिए। आपका जो सारा गिफ्ट कार्ड का जो कोड है वो आपके email ID पर चला जाएगा। सिंपली आपको email ID में जाना है और आपका जो गिफ्ट कार्ड का जो कोड होगा और पासवर्ड होगा उसको कॉपी कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर आकर उसको ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मेरे अकाउंट में 14,000 रुपये मैंने गिफ्ट कार्ड के थ्रू ऐड करके रख लिया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कैसे मैंने परचेस किया है गिफ्ट कार्ड और मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं 14,000 रुपीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये 14,000 जो मैंने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में ऐड किया है ये जो है मैं एक मतलब से फंस चुका हूँ। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 14,000 जो मैंने फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में ऐड किया है मेरे अकाउंट में, फ्लिपकार्ट के अकाउंट में तो रखा रहेगा, इससे मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट है वही शॉपिंग कर पाऊँगा, ना तो इसे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर पाऊँगा ना किसी अदर फ्लिपकार्ट अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। आप ऐसा तभी करें अगर आपको यही फ़ोन लेना है और आप इंतज़ार कर सकते हैं 1-2-3 सेल तक। जी हाँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको यही फ़ोन लेना है, नहीं मिल रहा है, तो आप अपना 14,000 रुपये फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड को खरीद के अपने अकाउंट में ऐड कर लीजिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ्लैश सेल में खरीदने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश सेल वाले दिन मैं यहाँ पर लैपटॉप को ओपन किया हूँ
और प्राइस ट्रैकर का इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर में जो मैंने इंस्टॉल किया था उसको ओपन किया, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो चेकआउट का, उसको आपको जैसे टिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहेंगे। आप सभी माध्यम को भूल जाइए, आप वहाँ पर गिफ्ट कार्ड को पिक कीजिए। जी हाँ, गिफ्ट कार्ड को पिक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस फ्लैश सेल में कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा गिफ्ट कार्ड पिक करने के बाद। ये करने के बाद सारे फ़ोन का नाम होता है, जो भी वेरिएंट आपको चाहिए उस पर आपको बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे आप फ्लैश सेल वाले जो पेज होता है उस पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट जैसे बचेगा फ्लैश सेल से, तो यहाँ पर जो आप नीचे में कॉर्नर में एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसका कलर चेंज होगा। जी हाँ, वो ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा और फिर ट्राई करेगा बार बार रिफ्रेश होकर कि ये फ़ोन जो है आपके कार्ट में चला जाए। एक और बात का ध्यान रखना है कि फ़ोन जो है 11:59 पर ही स्टॉक में आ जाता है। जी हाँ, ये 12 बजने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही स्टॉक में आ जाता है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 12 बजने वाला है और फ़ोन देखिए मेरे कार्ट में आया। मेरा ऑटोमेटिकली एड्रेस मैंने सिर्फ एक ही चूज़ करके रखा था, वो चूज़ किया। पेमेंट पेज आप देख भी नहीं पाए होंगे, गिफ्ट कार्ड को टिक किया और ऑटोमेटिकली पे हो गया। जी हाँ, गिफ्ट कार्ड का यही मतलब होता है। अगर आपके गिफ्ट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको किसी तरह का कैप्चा मांगता है ना तो किसी तरह का ओटीपी मांगता है। जी हाँ, और एक यही पेमेंट मेथड है जो कि सबसे फास्टर है फ्लिपकार्ट पर अभी तक। जी हाँ, एक टिक में, जी हाँ, विदाउट कोई यहाँ पर कैप्चा ओटीपी कोई भी वेरिफिकेशन के टिप में आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ऑर्डर सेक्शन में मेरा ब्लैक कलर का रेडमी का नोट 7 प्रो ठीक 12 बजे ही विदाउट किसी झंझट का ऑर्डर हो गया और फाइनली मुझे ये फ़ोन मिल गया। तो उम्मीद है जैसे मैंने फ़ोन को परचेज कर लिया वैसे भी आप भी इस फ़ोन को खरीद पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।